मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग टेस्ट करेंगे अल्कलिनिटी का। हम लोग ये निकालेंगे आज के टेस्ट से कि वाटर की अल्कलिनिटी कैसे निकालते हैं। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये एक टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट है। टाइट्रेशन में हम लोग टाइट्रेट करते हैं, जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूँगी कि इसमें हम लोग किसके अगेंस्ट टाइट्रेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग देखिए कि रिक्वायरमेंट क्या क्या है। ये जो है इसको ब्यूरेट कहते हैं। इसमें मैंने HCl फिल किया है। हमारा जो सैंपल है, हम लोग उसको HCl के अगेंस्ट टाइट्रेट करेंगे तो हम लोगों को अल्कलिनिटी पता चलेगी। वाटर में अल्कलिनिटी क्यों आती है? क्योंकि वाटर में ऐसे सब्सटेंसेस अगर मिक्स हो जाते हैं जिसकी वजह से वाटर में OH नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, उसकी वजह से वाटर में अल्कलिनिटी आती है। तो टाइट्रेशन प्रोसेस में मेनली क्या होता है, टाइट्रेशन प्रोसेस में क्या होगा, इसके अंदर क्या है, HCl। HCl कैसे डिसोसिएट होगा? H+ और Cl नेगेटिव आयन में। तो H+ आयन जैसे जैसे इसका डिसोसिएट होके हमारे सैंपल में मिक्स होता जाएगा, हर एक H+ आयन जो भी अल्कलिनिटी प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेज हैं उसको न्यूट्रलाइज करेगा। तो सबसे पहले न्यूट्रलाइज होगा हमारा OH नेगेटिव आयन और कार्बोनेट आयन। तो कार्बोनेट आयन और OH नेगेटिव आयन जब पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो वो कहलाएगा, उस समय जितना हमको अल्कलिनिटी मिलेगी वो कहलाएगी फिनोप्थिलीन अल्कलिनिटी। अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपके पास फिनोप्थिलीन अल्कलिनिटी आ चुकी है? वो कैसे, हम लोग हमारे सैंपल में फिनोप्थिलीन इंडिकेटर मिलाएंगे और जैसे ही हम टाइट्रेशन स्टार्ट करेंगे तो एक पॉइंट आएगा जहाँ पे फिनोप्थिलीन इंडिकेटर की वजह से जो कलर आएगा वो चेंज हो जाएगा और उसको हम कहेंगे फिनोप्थिलीन एंड पॉइंट, और उस जगह पे जो अल्कलिनिटी आएगी वो होगी फिनोप्थिलीन अल्कलिनिटी। ठीक है, उसको हम लोग ए से डिनोट करेंगे। वो कैसे, जितना भी वॉल्यूम HCl का हम लोग यूज़ करेंगे उस वॉल्यूम को हम लोग ए से डिनोट करेंगे। आफ्टर दैट विल गो फॉर मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर ये है, हम उसको सैंपल में डालेंगे और फिर हम उसी पॉइंट से, जैसे मान लीजिए ये आपका 10 पे ख़त्म होता है, 10 ml आपकी A की वैल्यू आती है, तो हम उसी पॉइंट से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट फेज ऑफ आर टाइट्रेशन प्रोसेस। तो नेक्स्ट फेज में क्या होगा, मिथाइल इंडिकेटर का कलर चेंज होगा। तो जैसे ही आपका कलर चेंज हो जाएगा तो उस समय जो अल्कलिनिटी आएगी वो क्या होगी, आपकी टोटल अल्कलिनिटी, उसे मिथाइल ऑरेंज अल्कलिनिटी भी बोलते हैं। तो ये आपकी पूरी प्रोसेस रहेगी। अब मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके बताती हूँ। ये हमारे पास सैंपल है, कोई भी सैंपल हो सकता है, वाटर सैंपल हो सकता है, वेस्ट वाटर सैंपल हो सकता है, और ये HCl जो मैंने ऑलरेडी ब्यूरेट में फिल करके रखा हुआ है, ठीक है, इसे कहते हैं पिपेट। हमको कितना सैंपल लेना है, वॉल्यूम ऑफ सैंपल, वो हम लोग इसे पिपेट आउट करेंगे, क्योंकि ये बहुत कम वॉल्यूम्स होते हैं इसलिए हमको पिपेट यूज़ करना पड़ता है। ये यहाँ पे 25 ml का पिपेट है। अलग अलग वॉल्यूम के पिपेट्स होते हैं, जब 10 ml चाहिए होता है तो हम 10 ml का पिपेट लेते हैं। सो ये 25 ml का पिपेट है। सर अभी पॉज कर दो। सो ये मैंने 25 ml सैंपल ले लिया है अपना, और इसकी 2-3 ड्रॉप्स में डालूंगी फिनोप्थिलीन इंडिकेटर के। इसमें देखिए ये कैसा पिंक कलर आया। अगर मान लीजिए किसी केस में ये पिंक कलर नहीं आता है और फिनोप्थिलीन इंडिकेटर डालने के बाद भी ये कलरलेस ही रहता है, तो उस केस को हम लोग कहते हैं कि फिनोप्थिलीन अल्कलिनिटी जो है आपकी वाटर में वो एब्सेंट है। ठीक है, P इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो थोड़ा सा कम डला है। अब मैं इसको टाइट्रेट करना शुरू करूँगी। ड्रॉप बाय ड्रॉप हमको ऊपर से निकालना है। ये देखिए, ये हो गया आपका पिंक से कलरलेस। ठीक है, तो जैसे ही ये पिंक से कलरलेस हुआ, इसका क्या मतलब है, OH नेगेटिव आयन और CO3 डाय नेगेटिव आयन, यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन्स और कार्बोनेट आयन्स जितने भी थे आपके पानी में वो कंज्यूम हो चुके हैं, मतलब अब वो अल्कलिनिटी कॉज नहीं कर रहे हैं। तो इसका हमारा रीडिंग हम लोग नोट कर लेंगे कॉपी में। उसके बाद हम मिथाइल इंडिकेटर डालेंगे, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। इसी में मैंने इसका वॉल्यूम बढ़ाया नहीं है। फिर हम मिथाइल ऑरेंज के भी वही 2-3 ड्रॉप्स डालेंगे, मिक्स करेंगे और हम इसको फिर से टाइट्रेट करना शुरू करेंगे। ये मिथाइल ऑरेंज का जैसे ही कलर चेंज होगा हम लोग स्टॉप हो जाएंगे। ये देखिए, येलो से रेड हो गया। ये जो कलर चेंज है
ये इस पॉइंट पे जो हम वॉल्यूम नोट करेंगे और कैलकुलेशंस करेंगे तो जो स्ट्रेंथ आएगा हमारा दैट विल बी कॉल्ड आर टोटल अल्कलिनिटी। अब मैं आप लोगों को कैलकुलेशंस दिखाती हूँ। प्रोसेस एक्सपेरिमेंट करने की, टाइट्रेशन करने की, ये प्रोसेस यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। आपको रीडिंग्स दोनों नोट करनी है। तो जो मैं आपको बोल रही थी, सबसे पहले उसकी रिएक्शंस देखो। टाइट्रेशन जो प्रोसेस अपन ने की उसमें क्या हुआ, OH आयन आपके जो आपने जिसके अगेंस्ट टाइट्रेट किया, यानी कि अपन ने किसके अगेंस्ट टाइट्रेट किया था, N50HCl, यानी कि HCl की नॉर्मेलिटी कितनी थी 50। तो हमने 50 नॉर्मल के अगेंस्ट जब हमने टाइट्रेट किया तो HCl का H प्लस आयन जितना भी था उसने किसके साथ रिएक्ट किया, OH नेगेटिव के साथ, और H प्लस आयन ने और किसके साथ रिएक्ट किया, CO3 डाई नेगेटिव हाइड्रोक्सिल आयन एंड कार्बोनेट आयन्स। जब इनके साथ रिएक्ट करता गया तो वो न्यूट्रलाइज होके जब कलर आपका फिनोप्थिलीन का पिंक से कलरलेस हुआ तो वो एंड पॉइंट था। ये उस सगे हम लोगों ने वॉल्यूम नोट करी जिसको हम लोग AML कहेंगे। तो हमारे इस एक्सपेरिमेंट पे A की वैल्यू जितनी आएगी वो हम यहाँ टेबल में रख देंगे। फिर नेक्स्ट फेज क्या था, अपन ने जब मिथाइल ऑरेंज डाला था तो मिथाइल ऑरेंज डालने के बाद उसमें रिएक्शन ये वाली हुई जिसमें उसने बायकार्बोनेट आयन्स को के साथ रिएक्ट किया और न्यूट्रलाइज किया। बायकार्बोनेट आयन्स के बाद जो वॉल्यूम आई दैट इज़ कॉल्ड BML, बी उसको हम लोगों ने BML से डिनोट किया। एंड जब हम दोनों का टोटल करके निकालते हैं तो वो होती है टोटल अल्कलिनिटी। तो ये जो टेबल है, सीरियल नंबर 1 जैसे अपन भरते हैं सीरियल नंबर, ये आपके एक्सपेरिमेंट की टेबल है। वॉल्यूम ऑफ सैंपल अपन ने पिपेट आउट किया था, 25 ml ऑफ सैंपल लिया था, तो ये रहेगी आपकी वॉल्यूम ऑफ सैंपल। फिनोप्थिलीन एंड पॉइंट देखो, हम लोग जीरो से स्टार्ट हुए और जब हमारा पिंक से कलरलेस हुआ तो हमारा रीडिंग आई थी 9 ml। तो इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने 9 लिखा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो A की वैल्यू कितनी आएगी, 9। अब हम लोगों ने स्टार्ट किया 9 से, फिर मिथाइल ऑरेंज डालने के बाद मिथाइल ऑरेंज येलो से हुआ क्या, ऑरेंज। तो येलो से रेड होने के लिए उसको कितना, कहाँ तक पहुँच गया वॉल्यूम, 23 तक। पर टोटल वॉल्यूम कितनी कंज्यूम हुई वो निकालने के लिए हमको 23 से 9 को माइनस करना पड़ेगा। जब हम वो करेंगे तो हमें वॉल्यूम मिलेगी 14, जो कि होगी हमारी बी की वैल्यू, ठीक है। उसके बाद ये एक नॉर्मेलिटी की इक्वेशन है, N1V1 = N2V2, ठीक है। इसमें हमारे पास V है 25 ml, नॉर्मेलिटी N2 की ऑलरेडी है हमारे पास कितनी, 50 ml, ठीक है, 50 नॉर्मल 50 n, और वॉल्यूम V2 की जो हम निकालेंगे A और B को प्लस करके, वो ये सब जब हम इस इक्वेशन में रखते जाएंगे तो हमें N1 की वैल्यू मिल जाएगी। जो N1 की वैल्यू होगी वही हमें निकालना है। तो जस्ट सपोज़ इस तरीके से हम तीन चार बार टाइट्रेशन करेंगे तो हमें जो वैल्यूज़ मिलती जाएंगी अलग अलग यहाँ पे A भी आता जाएगा और फाइनली हम लोगों को एक नॉर्मेलिटी मिल जाएगी जो कि आपकी होगी अल्कलिनिटी, किसकी, सैंपल की।